मैं विचलित हूं श्री। मैं केवल इतना समझ पा रहा हूं कि काल चक्र में भयानक दुर्भाग्य का साया पड़ने वाला है, किंतु कहां से इस दुर्भाग्य की शुरुआत होगी वो समझ में नहीं आ रहा। इंद्रलोक में एक विशेष पूजा का आयोजन हुआ है लक्ष्मी और नारायण का मिलन सहज करने के लिए, जिसके सफल होने से मिलन सहज होगा। लेकिन मैं चाहती हूं लक्ष्मी नारायण कैसे भी जोड़े में इंद्रलोक में प्रवेश ना कर पाए। अब तो केवल देवगणों की पूजा ही हमारा मिलन सहज करा सकता है श्री, किंतु देवगण यदि असंतुष्ट हुए तो इस प्रक्रिया में अवश्य ही विघ्न आएगा। यक्षों को अधिक धन संपदा दान करके तुमने इस असंतुष्टि को आरंभ किया है श्री। आशा करता हूं भविष्य में ऐसा कुछ करने के पूर्व तुम सचेत रहोगी। आशा करता हूँ भविष्य में ऐसा कुछ करने के पूर्व तुम सचेत रहोगी। माँ, 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 आपको क्या हुआ? माँ, क्या हुआ है आपको? आप उदास क्यों हैं माँ? देखिए, मुझे ये सब कुछ मिला। लीजिए, आप ये खाइए, देखना आपके मन को अच्छा लगेगा। उल्लोक, तुम आजकल अधिक आहार ग्रहण कर रही हो। कुछ भी अत्यधिक करना अच्छा नहीं होता है। अधिक ऐश्वर्य सर्वदा मंगलकारी नहीं होता है श्री। प्रभु, आप मुझसे रुष्ट हुए हैं। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गई हूं प्रभु। गुरुदेव, आप तो जानते हैं इस जगत के मंगल हेतु लक्ष्मी और नारायण का मिलन अत्यंत आवश्यक है। लक्ष्मी और नारायण का मिलन सहज करने के लिए मैं इस इंद्रलोक में एक विशेष हवन का आयोजन करना चाहती हूँ और स्वर्गलोक में श्री लक्ष्मी की पुनः प्रतिष्ठा होगी। उस हवन में नारायण और श्री लक्ष्मी जोड़े में उपस्थित रहेंगे। स्वयं देवराज उस पूजा में आहुति देकर पूजा एवं अर्चना करेंगे। ये तो अति उत्तम प्रस्ताव है देवी। इस हवन से देवगण का ही कल्याण होगा। देवराज के लौटने पर मैं स्वयं उनको ये बात बता दूंगा। कदापि नहीं देवगुरु। भूल से भी आप लोग देवराज इंद्र से ऐसा अनुरोध मत कीजिए। जो देवी मित्र होकर भी देवताओं को नीचा साबित करना चाहती है, उनकी प्रतिष्ठा और पूजा कुछ भी इंद्रलोक में नहीं होगी। देवराज, श्री लक्ष्मी के बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? देवताओं को नीचा साबित करने के लिए क्या किया है श्री लक्ष्मी ने? क्या किया है? देवी लक्ष्मी ने यक्षों को
विपुल ऐश्वर्य का अधिकारी बनाया है। उनके राजमहल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप सब। यक्षलोक में ले जाके देवराज इंद्र को यह दृश्य दिखाया है देवी अलक्ष्मी ने। यदि विश्वास ना हो तो अपनी आंखों से ही देख लीजिए। देवगुरु बृहस्पति देखिए, आप सब अपनी आंखों से देखिए, देवराज इंद्र का आरोप सही है या नहीं। देवी सरस्वती, आपको और कुछ कहना है? देवराज, यक्षलोक को इंद्रलोक से अधिक ऐश्वर्य लाभ होने के कारण आप लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन यक्षों के इस ऐश्वर्य लाभ का क्या कारण है वो तो एक बार भी नहीं सोचा। यक्षों ने कठिन संकट के बीच में भी हर दिन श्री लक्ष्मी की आराधना की है। उन्होंने यक्षलोक में श्री लक्ष्मी को स्थापित किया है, इसीलिए आज वे समृद्धि के अधिकारी हुए हैं। किंतु देवलोक ने क्या किया है देवराज? समृद्धि की देवी को स्वर्ग से निष्कासित किया है। श्री और समृद्धि का आवाहन ना करने से इस अमरावती को अपना लुप्त गौरव कैसे मिलेगा? देवराज इंद्र, देवी सरस्वती ने बिल्कुल सही कहा है। जब तक तुम श्री लक्ष्मी को इस इंद्रलोक में प्रतिष्ठित नहीं करोगे, तब तक ये अमरावती ऐसे ही श्रीहीन रहेगा। और यक्षराज कुबेर तुमसे भी अधिक धनवान रहेंगे। इसलिए और विलंब ना करके इसी समय देवी श्री लक्ष्मी का आवाहन करिए। हे देवराज, देव गुरु होने के नाते इसे मेरा आदेश समझो, वरना इस अमरावती का विनाश होना बस निश्चित है।
ये अचानक क्या हो गया? ऐसा आघात क्यों लगा पूरे शरीर में? फिर क्या श्री लक्ष्मी की पूजा नहीं करूंगा बोलने से किसी अमंगल की सूचना हुई? देवगुरु बृहस्पति, आपका आदेश सर्वोपरि। देवराज इंद्र चाहते हैं जितना शीघ्र संभव हो ये पूजा संपन्न की जाए। नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी, क्या हुआ है भगिनी? ऐसे दुखी होकर अकेले क्यों बैठी हो? ज्येष्ठा, प्रभु नारायण मुझसे रुष्ट है। ऐसे कैसे? श्री हरि की अंश हो तुम और तुमसे श्री हरि रुष्ट हुए हैं? नहीं नहीं भगिनी, ये मैं नहीं मान सकती। ज्येष्ठा, मैं संकल्प पूरा नहीं कर पाई। यक्षलोक में आवश्यकता से अधिक धन का दान किया है मैंने, इसी वजह से प्रभु मुझसे रुष्ट हुए हैं। ये सब तो प्रेम के लक्षण है श्री। तुम दोनों के मिलन का समय आ चुका है। इस समय ऐसा मान अभिमान ये सब स्वाभाविक है श्री लक्ष्मी। समस्त मान अभिमान सब कुछ दूर करके स्वयं को प्रस्तुत करो श्री लक्ष्मी। तुम दोनों का मिलन सहज करने के लिए हमने इंद्र सभा में एक विशेष पूजा का आयोजन किया है। उस पूजा को तुम दोनों जोड़े में उपस्थित रह के पूर्ण करोगे। क्या हुआ? इस संवाद से तुम प्रसन्न हो ना? किंतु ज्येष्ठा, प्रभु को मैं कैसे प्रसन्न करूंगी? वे तो मेरे साथ वार्तालाप भी नहीं कर रहे। तुम बल्कि नारायण की कोई प्रिय वस्तु उन्हें भेंट करो, देखना वे प्रसन्न होंगे। प्रिय वस्तु? लेकिन उनकी प्रिय वस्तु क्या है ज्येष्ठा? अपने हृदय से प्रश्न करो, अवश्य उत्तर मिलेगा। हे माता, लक्ष्मी नारायण के मिलन को रोकना क्या सच में संभव है? असंभव को ही संभव करना होगा शुक्राचार्य। लक्ष्मी और नारायण के मिलन का अर्थ प्रकृति और पुरुष का मिलन। इस मिलन को रोकने की हमें कोई आवश्यकता न होती अगर नारायण असुरों की उपेक्षा ना करते। हे माता, मेरे मन में एक प्रश्न उठा है किंतु मुझे उसका उत्तर नहीं मिल रहा। माता, नारायण जगत पालक हैं। जगत के समस्त जीवों के ऊपर उनकी समान करुणा होनी चाहिए, फिर भी वो ऐसा पक्षपात क्यों कर रहे हैं?
इस प्रश्न का उत्तर मैं भी नहीं जानती शुक्राचार्य। मैं केवल इतना समझती हूँ, लक्ष्मी नारायण के मिलन से नारायण की श्री समृद्धि को और वृद्धि मिलेगी, जो असुरगण के लिए भयंकर हो सकता है। प्रणाम माता। क्या समाचार है मरुत? माता, मैं अभी इंद्रलोक से होकर आया हूं। ज्ञात हुआ है कि कल वहां एक विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा। इंद्रलोक में प्रवेश करने से पहले ही लक्ष्मी और नारायण को रोकना होगा। तुम पे मुझे पूरा भरोसा है मरुत। आप चिंता मत कीजिए माता, कल आपका ये मरुता पुत्र इंद्रलोक पे पहरा रखेगा। लक्ष्मी और नारायण किसी भी जोड़े में भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कल्याण हो पुत्र, जाओ इंद्रलोक में लौट जाओ, नजर रखो। जो आज्ञा। मैं जानती हूं शुक्राचार्य, मेरा मरुत पुत्रगण पूर्ण प्रयास अवश्य करेगा, लेकिन फिर भी चिंता हो रही है। विष्णु माया बहुत कठिन है, माया शक्ति में नारायण मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। फिर उपाय? उपाय एक ही है, किसी भी कीमत पे विष्णु माया को रोकना होगा, किसी भी कीमत पे। माता आपको याद है ना, बहुत समय पूर्व आपकी सेवा से संतुष्ट होकर ऋषि कश्यप आपको वरदान देना चाहते थे, याद है ना आपको? है, मैंने कहा था आवश्यकता होने पर मांग लूंगी। अभी वो वरदान पिता से मांग लीजिए माता। ऐसा कोई मंत्र जान लीजिए जिस मंत्र के द्वारा नारायण की शक्ति को भी आप रोक सके माता। सही कहा शुक्राचार्य, मैं आज ही जाऊंगी उनके पास। किसी भी कीमत पे लक्ष्मी और नारायण का मिलन मुझे रोकना ही होगा, किसी भी कीमत पे। नारद मुनि कौन सा ध्यान कर रही है माँ? माता को अभी मत बुलाओ लुक, ध्यान भंग होने के बाद सब पता चल जाएगा। तुम अभी चुप होके दिखाओ, चलो मेरे साथ आओ।
उल्लोक, देवर्षि नारद। माँ, इस पुष्प से क्या होगा? ये पुष्प प्रभु के लिए है। नारायण नारायण। माता, प्रभु आपका ये उपहार पाकर अवश्य प्रसन्न होंगे। ये पुष्प ही हम दोनों के मिलन को और सहज करेगा। माता, ये पुष्प आप दोनों का मिलन पथ कैसे सहज करेगा? मुझे मुझे जानने की बहुत इच्छा हो रही है। वैजयंती माला मैं प्रभु को प्रदान करना चाहती हूँ। देवर्षि, ये उपहार अब प्रभु तक पहुंचा दीजिएगा। माता, बल्कि आप स्वयं ये माला प्रभु को भेंट करें, प्रभु और भी प्रसन्न होंगे। नहीं नहीं देवर्षि, ये शोभा नहीं देगी। बल्कि आप ही। क्यों शोभा नहीं देगी माँ? कितने प्यार से आपने प्रभु के लिए ये माला तैयार की है। जाइए ना, नारद मुनि के साथ जाइए ना माँ। अपने हाथों से ये उपहार भेंट कीजिए प्रभु को। नहीं नहीं उल्लोक, इस रूप में मैं वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकती। ये बिल्कुल सही नहीं होगा। माता, यदि आप वैकुंठ नहीं जाना चाहती हैं, फिर आप प्रभु का यही आवाहन कीजिए। आप प्रभु की अंश हैं, आप उनकी सबसे प्रिय भक्त हैं। भक्त की पुकार प्रभु अवश्य सुनेंगे। तुम्हारे संकल्प भंग के कारण ही विष्णु माया विफल हुई है श्री। अब हमारे मिलन के बीच में नाना प्रकार की बाधाएं आएंगी। देवी, इतनी व्याकुल होके अभी आवाहन मत करो मेरा। मैं अभी दूसरी चिंता में मग्न हूं। मुझे अनुभव करने दो कौन हमारे मिलन में विघ्न डालने का प्रयत्न कर रहा है। किसी मंत्र शक्ति के द्वारा वो स्वयं को अदृश्य रखने में सफल हो रहा है, किंतु वो है कौन? Thank you.
जागृत होइए स्वामी, सहायता कीजिए, जागृत होइए। दीदी, इस समय यहाँ पर? हाँ स्वामी, मुझे आपकी सहायता चाहिए स्वामी। बोलो, कैसी सहायता चाहती हो? किंतु पहले आप वचन दीजिए, मैं जो मांगूंगी वो देने से आप मना नहीं करेंगे। दीदी, तुम मेरी पत्नियों में श्रेष्ठ हो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन तुम्हें मैं तुम्हारा वरदान प्रदान करना चाहता था, किंतु तब तुमने वो ग्रहण करना नहीं चाहा। लगता है आज किसी विशेष कारणवश वो वरदान मांगने आई हो तुम। हे स्वामी, सत्य आज मुझे एक विशेष वरदान की आवश्यकता है स्वामी। बोलो क्या चाहती हो? स्वामी, जगत पालक नारायण और उनकी शक्ति श्री लक्ष्मी जुगल में मोहिनी रूप धारण करके मेरे संतानों को अमृत से वंचित कर रहे हैं। माता होकर ये पक्षपात में नहीं सह पा रही, इसीलिए आप मुझे ऐसा वरदान प्रदान कीजिए, ऐसी शक्ति दान कीजिए जो उस विष्णु माया को भी पराजित कर सके। भूल कर रही हो दीदी, विष्णु को पराजित करना स्वयं विष्णु ही कर सकते हैं और कोई नहीं। फिर क्या मेरे संतानों के पक्षपात का कोई प्रतिकार नहीं होगा स्वामी? उसके लिए तुम्हें स्वयं नारायण की ही सहायता लेनी होगी। किंतु नारायण मेरी सहायता क्यों करेंगे? करेंगे, भक्त के पुकार की भगवान अवहेलना नहीं कर सकते। तुम्हें मैं ऐसा बीज मंत्र प्रदान करूंगा जिसके द्वारा तुम स्वयं विष्णु देव को अपनी सहायता करने के लिए विवश कर पाओगी। अब तक तुम्हारी तपस्या से मिली शक्ति के द्वारा तुम स्वयं को नारायण की दृष्टि से अदृश्य रखने में सफल हुई हो, लेकिन तुम्हारी ये इच्छा शक्ति दीर्घ समय तक नहीं रहेगी। विष्णु पूजा करो, उसी से तुम्हें वरदान प्राप्त होगा। फिर वही होगा, बीज मंत्र दान कीजिए मुझे, स्वयं नारायण ही फिर उनके और श्री लक्ष्मी के मिलन में विघ्न सृष्टि करने पे विवश होंगे। प्रभु, प्रभु, ये माला मैंने आपके चरणों पे निवेदन किया है। प्रसन्न होइए प्रभु, प्रसन्न होइए, मेरी पुकार को सुनिए प्रभु, सुन लीजिए। प्रसन्न किए बिना मैं शांत नहीं हो पा रही हूँ प्रभु, क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। सामने आइए प्रभु, सामने आइए। देवी, ये क्या कर रही हो तुम?
क्यों इतनी विचलित हो रही हो तुम? प्रभु, प्रभु आप आ गए, क्षमा कीजिए प्रभु। मैं जानती हूं मेरे कार्य पे आप रुष्ट हुए हैं, लेकिन विश्वास कीजिए प्रभु, मैंने जो किया है उससे आप अप्रसन्न होंगे। ये मेरी कल्पना से बाहर था, क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। देवी, तुम मेरी शक्ति हो, मेरी समृद्धि हो। क्या मैं तुमसे कभी भी अप्रसन्न हो सकता हूं? इतनी व्याकुल मत हो श्री, हमें ऐसी कई परिस्थितियों का सामना करना होगा जिस समय तुम्हें लगेगा कि मैं तुमसे रुष्ट हूं, मैं विचलित हूं, मैं परेशान हूं। तो याद रखना, वो सब विष्णु माया है। मेरी पीड़ा दूर करने के लिए इतने समय बाद आए प्रभु, और मैं यहां बहुत देर से व्याकुल होकर आपको पुकार रही थी। व्याकुल हुई हो इसलिए तो इतना सुंदर उपहार प्राप्त हुआ है तुमसे, इतने प्रेम से, इतनी भक्ति से बनाई है तुमने ये माला। इसे पैरों तले रख सकता हूं? ये माला मैं अपने कंठ में धारण करने वाला हूं श्री। इस वैजयंती माला के द्वारा मैं स्वर्ग लोक में जाना जाऊंगा श्री। ये उपहार मैं तुम्हारे पास ही रख रहा हूं श्री। सही समय पर मैं स्वयं ये माला मांग लूंगा। कल पूजा के अंत में हमारा मिलन तय होगा श्री। हमारी प्रतीक्षा का अंत होगा। लोग अपने हाथों से हवन कुंड प्रस्तुत कर रहे हैं, देख के बहुत अद्भुत लगा देवगण। इतना समय बर्बाद किए बिना माया से तत्काल ये हवन कुंड प्रस्तुत करना संभव था? नहीं देवराज, माया से कभी श्री लाभ नहीं होता। माया का अर्थ ही है छल। हृदय से निकली भक्ति, श्रद्धा, प्रेम का कोई प्रकाश नहीं रहता उसमें। हम सब श्री लक्ष्मी का प्रेम से और श्रद्धा से आवाहन करना चाहते हैं। देवराज इंद्र, तो फिर तुम भी इस हवन के आयोजन में सहायता करो। हवन कुंड प्रस्तुत करने के कार्य में तुम भी भाग लो।
ये क्या, देवराज इंद्र ने तो पूजा का आयोजन शुरू कर दिया है। भूल की है देवराज ने, बहुत बड़ी भूल की है। देवी अलक्ष्मी के साथ विश्वासघात, इसका बहुत बड़ा भुगतान आपको करना पड़ेगा देवराज। विश्वासघात हमेशा विपत्ति लेकर आती है। चुका है प्रभु, आपके मेरे मिलन का समय आज तय होगा। समस्त बाधा विघ्न पार करके एक होंगे हम लोग। ये क्या, इस शुभ मुहूर्त पे आलक्ष्मी का वाहन मेरे कुटीर में क्यों? क्या आज कुछ गलत होने वाला है? देवराज, आप आहुति शुरू कीजिए। स्वर्ग में पहले लक्ष्मी नारायण की पूजा आप ही करेंगे। आपका ये हवन त्रिजगत युगों युगों तक स्मरण करेगा। आइए देवराज। लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायण। इंद्र सभा में प्रवेश का समय आ चुका है, मैं आ रहा हूं श्री। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः। जाओ श्री, इंद्र सभा में प्रवेश करो।
इसका मतलब हमारे इंद्रलोक के प्रवेश में कोई विघ्न डाल रहा है। ये अवश्य अलक्ष्मी का काम है। वो नहीं चाहती इंद्रलोक की ये पूजा सफल हो। मैंने तो कोई विघ्न सृष्टि नहीं की। क्या हो रहा है ये सब? लक्ष्मी नारायण का प्रवेश कौन रोकना चाहता है? जो भी है उसकी माया मैं छीन लूंगी। नहीं कर पाओगी श्री लक्ष्मी, नहीं कर पाओगी तुम वो मरुत्रेखा पार। उसके बाद तुम धीरे धीरे नारायण से दूर हो जाओगी, दूर दूर हो जाओगी नारायण के हृदय से, दूर, बहुत दूर। यह असुर माता देती की प्रतिज्ञा है।